अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ये कहानी है सोनिया की। सोनिया अपनी बहनों के खातिर अपनी शादी नहीं कर रही है, लेकिन पांचों बहनें सोनिया का घर बसाना अपना एक लौता सपना मान बैठी हैं। एक दिन राघव की जिंदगी में सोनिया आई और दोनों एक खूबसूरत डोर से जुड़ गए। राघव के सच्चे मन और प्यार को न समझने की वजह से जो दूरियां राघव और सोनिया के रिश्ते के बीच आई थी वो फिर से प्यार में बदल गईं। रत्ना रॉय जो इस रिश्ते से खुश नहीं थी वो सोनिया और राघव की शादी के लिए हाँ कह देती है। मेहंदी की रात को सोनिया रत्ना रॉय को मेहंदी लगाने को कहती है, लेकिन रत्ना रॉय ना चाहते हुए भी ना नहीं कह पाती। दूसरी ओर राघव, सोनिया और पांचों बहनें मेहंदी की रात को जोर शोर से मनाते हैं। अब आगे एक्सक्यूज मी मैम, एनी प्रॉब्लम? यहाँ से फर्स्ट राइट। नमस्ते जी, मैं ना लड़की वालों की साइड से हूँ, दुल्हन की छोटी बहन। नमस्ते। दीपिका, तुम ये सब मुझे क्यों कह रही हो? ओ, आप जानते हैं मुझे? दीपिका, ये क्या मजाक है? मजाक मैं करियो की तो? बस अपनी बॉस के गेस्ट के पीछे लगे हुए हो। कहा था ना लड़की वालों की साइड से हो, तो क्या मेरी दी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? देखो दीपिका, रत्ना मैम। अच्छा वो सब छोड़ो, सुनो, ये ना ये फूल है ये वो बाहर वाले गेट पे लगवा देना, ओके? किसी ने वो डेकोरेट ही नहीं किया। अच्छा ये कपड़े ना बुआजी की गाड़ी में डलवा देना, और ये लाइट वो स्टेयरकेस है ना वहाँ पे, ये लाइट्स अच्छे से सुंदर से डेकोरेट करवा देना, और ये फूल फूल भी अच्छे से लगा देना, ठीक है? दीपिका, अरे अभी तक यही खड़े हो, चलो जाओ जाओ, आप भी जरा जाइए। कहाँ जाना है साहब? हाँ कहाँ जाना है? अब वहाँ बाहर चलिए। अरे ये लो तो सही, छोड़ो छोड़ो, जाओ मैं आता हूँ। राघव, सीमो, तुम्हारे ख्याल से हमें चलना चाहिए? इसका बस चले, ये तो दुल्हन को आज ही अपने घर ले जाए। सोनिया है ही इतनी सुंदर, हमारा भतीजा भी क्या कर। मैं मिठाई के डब्बे गाड़ी में रखता हूँ। चिंटू बेटा, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके, जीते रहो बेटा, जीते रहो। अब जल्दी से घर आ जा, और सुबह की चाय तुम्हारे हाथ की ही पीना चाहती हूँ। चलता हूँ, बाय। ठीक है, लेकिन सुनो, शादी की ना काफी तैयारियां बाकी हैं, तो कल सुबह जल्दी आना, ओके? वैसे तो मैं हूँ सब संभालने के लिए, पर कोई घर का बंदा भी तो होना चाहिए ना सब सुपरवाइज करने के लिए, तो जल्दी आना, ओके? दीपिका, मैं? तुम? नहीं नहीं, मैं तो वो उस पिलर से बात कर रही थी, हटो ना साइड में। ऑब्वियसली तुम अभिमान। गुड नाइट। गुड नाइट। Bye. See you tomorrow. बस खुश। वैसे तो लड़कियां गुस्से में और भी अच्छी लगती, लेकिन मैं अपनी होने वाली दुल्हन को नाराज नहीं रहने दूंगा। आपको तो मैं मना कर रहूंगा सोनिया जी। चले आप? यस मैम। बाय बेटा, मैं आपको बाहर पे छोड़ रहा हूँ गाड़ी। आई बाय जीजू। बाय जीजू। गुड नाइट। बाय। अंजलि, खुशी, रोटी, रति, चलो उठो। नहीं फ्रूटी, दूध पी के सोना है, चलो। दीपू पिला इसे। अरे दी, एक मिनट। दी, ये सब क्या कर रही हो आप? वो जो रोज करती हूँ
तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। दी रोज आपके हाथ में मेहंदी नहीं लगी होती, ओके? हाँ दी, आपके हाथ में मेहंदी है ना, और आप दूध बना रही हो, मेहंदी खराब हो जाएगी ना। दी, टेक्निकली अगर इसपे पानी लग गया ना तो रंग नहीं चढ़ेगा, और उसके बाद सब आपको चिढ़ाएंगे कि राघव जी जो आपसे प्यार नहीं करते। अगर दूध ही लेकर आना था तो मुझे बोल देते, मैं ले आती। अगर सच में मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा और जीजू का प्यार कम हो गया तो? दीदी, अब जीजू हमारी क्लास लगाएंगे जैसे टीचर लगाती है। नहीं, जीजू बहुत समझदार है। जब उन्हें पता चलेगा कि मेहंदी और शादी के एक्साइटमेंट के बाद भी मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ तो वो खुश हो जाएंगे। पापा, कल आपके बेटे की शादी है, काश उसे आशीर्वाद देने वाले हाथों में आपका भी एक हाथ होता। मैं आज बहुत खुश हूं, लेकिन मेरी हर खुशी आपके बिना अधूरी है। अगर आप होते ना तो मुझे खुद अपने हाथों से तैयार करते और कहते कि चल मेरे शेर, चलकर तेरी दुल्हन को लेकर आते। आप होते तो मुझे बताते कि एक दुल्हन जब नाराज हो जाती है तो उसे कैसे मनाया जाता है। आपका बेटा आज आपको बहुत मिस कर रहा है, काश आप यहां हो हमारे साथ, हमारी हर खुशी। मान जाइए दी, कहते हैं कि शादी के बाद पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। अब जब सब कुछ बदलने ही वाला है तो आज से क्यों नहीं? कुछ नहीं बदले, ना मेरा प्यार ना मेरी जिम्मेदारियां। हाँ, दूध के गिलास जरूर बढ़ जाएंगे। दादू दादी के लिए, मम्मी जी के लिए, राघव जी के लिए, हमारी दुनिया वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ सिर्फ प्यार बढ़ेगा और प्यार करने वाले लोग। अगर कुछ पीछे रह जाएगा तो वो है ये घर, और इस घर से जुड़ी हमारी ढेर सारी यादें। कैसे बनाऊं सोनिया जी को? कोई तो ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से सोनिया जी सब कुछ भूल जाए। सोच राघव, सोच सोच। सोनिया जी, अब आप चाहे कितनी भी नाराज क्यों, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। गुड नाइट दी। रति, चल सो जा, सो जा। बस कर नेल्स देखना, सो जा। चल फ्रूटी, उठ जा, सोने चलते, आ जा। बैठो ना। अरे अभी भूलना चाहे भी ना तो भी इस घर को नहीं बुला सकते। इस घर के हर एक कोने से हमारी यादें जुड़ी हैं। वो कहते हैं ना दी कि घर की असली शोभा उनकी बेटियों से होती है, वही घर को सजाती है, संवारती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक दिन ये सब कुछ छोड़कर हमें अपने पति के घर जाना पड़ता है? हाँ दी, हम तो दो बार पराए हो जाएंगे, पहले इस घर से फिर आपके घर से। वो घर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है, और उस घर को कभी पराया मत समझना। दी, मुझे लगता है हम पांचों को यही रहना चाहिए, इसी घर में। और हम एक ही शहर में तो होंगे, रोज मिल सकते हैं, और हमें देखने के बहाने आप शॉप भी चेक कर सकती हैं। दी, डोंट वरी, यहाँ सब ठीक होगा, हम सब मैनेज कर लेंगे। और वहाँ उस घर में किसी को हमारे कारण कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत समझदार और सब कुछ संभाल भी लो, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिल है कि मानता ही नहीं। मेरे लिए तुम लोग एक छोटी बच्ची हो और हमेशा रहोगे, और अब इस बारे में हम कोई बहस नहीं करेंगे। मैं उस घर में तभी जाऊँगी जब हम सब साथ चलेंगे।
सोनिया दी आप नहीं जाओगी तो जीजू को क्या होगा? वो तो आपके प्यार में पागल है। दी आप सो जाइए वरना आपका फोटो एल्बम खराब हो जाएगा। और नहीं तो क्या, दुल्हन की आंखों के नीचे डार्क सर्कल सजाएंगे, वो अच्छा लगेगा। जाइए दी सो जाइए। चल फूटी चल हम सोने चलते, बहुत रात हो गई। दी आज से यहीं सोने दीजिए। दी टेक्निकली तो कल से आप राघव जीजू के कमरे में सोएंगी ना, तो फ्रूटी को हमारे साथ ही सोना पड़ेगा, तो आज से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। हाँ दी आज मैं दीपू के साथ सोऊंगी। पर दीदी बोलना पड़ेगा। दी इट्स ओके आप सो जाइए। गुड नाइट दी। गुड नाइट दी। गुड नाइट दी। चल सो जाओ सो जाओ। आज मना लूं आओ प्रिय, क्या हो जो ये पल बीता, कल प्रयासी बन जाएगी इस रघुवर की सीता। इससे पहले कि आप गर्लफ्रेंड से वाइफ बन जाएं, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का एक लास्ट चांस दे दीजिए, प्लीज नीचे आ जाइए। आपने क्यों बुलाया मुझे? ये जानने के लिए कि मेरी होने वाली बीवी मुझसे नाराज क्यों है, कारण तो बताइए। आपकी होने वाली बीवी आपसे इसलिए नाराज है क्योंकि आपको सब्र ही नहीं है। देखिए इतनी रात को मुझे मिलने के लिए बुला लिया और आप चली हैं। हाँ मुझे लगा शायद आपको कोई जरूरी काम हो।
भाई काम तो बहुत जरूरी है जो मुझे आपसे है। कहिए आपका बहुत जरूरी काम क्या है? मेरा बहुत जरूरी काम यह है कि मैं आज मेरी गर्लफ्रेंड को एक मौका देना चाहता हूँ, आखिरी मौका नखरे दिखाने का, क्योंकि उसके बाद तो आप अपने पति परमेश्वर की सेवा में लग जाएंगी। आहा, मिस्टर पति परमेश्वर, आप भूल गए हमें शादी से पहले नहीं मिलना है। अरे सोनिया जी, अगर मैं आज आपसे नहीं मिलता ना तो पता नहीं ये रात कैसे कटती। तो आप मिल लेना, अब मैं जा रही हूँ। आज मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने का आखिरी चांस है और मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहता। मैं इस मौके को बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूं ताकि हम इसे जिंदगी भर याद रख सके। बोलिए, देंगी मेरा साथ? इस रोमांटिक डे को स्पेशल बनाने के लिए ये राघव जी, ये आंखों में पट्टी क्यों बांध रहे हैं? बताइए तो सही। देखिए मैं सरप्राइज, आइए मेरे साथ। सुनिए जी, ये खा के बताइए कि कैसी है। क्या है ये? आप खाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या है? देखिए सोनिया जी, आपने मुझसे 7 वादे किए थे, मैं से एक वादा ये भी था कि आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। उस पर ट्रस्ट है ना आपको? आ कीजिए। ये तो मेरी फेवरेट कुल्फी है, आपको कैसे पता मुझे पसंद है? जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके दिल की हर बात हमें मालूम होती है। जरूर मैंने कोई अच्छा काम किया होगा जो राघव जी जैसे पति मुझे मिले। क्या सोच रही है? यही ना कि आप बहुत लकी हैं। बाय द वे, आपका माइंड नहीं रीड कर रहा, बट गेस। अच्छा एक बात तो बताइए, मैंने आपसे 7 वादे किए हैं पर आपने मुझसे एक भी वादा नहीं किया, क्यों? क्योंकि जैसे आपने मुझे वादे लिख कर दिए थे मैं भी वादे लिख रहा था। कुछ भी? नहीं नहीं, मैं देखिए लिख कर भी लाया हूँ, ये देखिए। हाँ, इस तरह आपने मुझे लिख कर दिए थे, मैं आपको लिख कर नहीं दूंगा, मैं तो आपकी आंखों में आंखें डालकर सारे वादे पढ़ के सुनाऊंगा। अच्छा, आपका पहला वादा क्या है? खुशियाँ जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, तो मेरा पहला वादा यह है कि मैं आपको जिंदगी भर खुश रखूंगा। जिस चीज में आपकी खुशी होगी वो चीज आपके कदमों में लाकर रख दूंगा और आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मेरा दूसरा वादा यह है कि मैं जिंदगी भर आपसे प्यार करूंगा, सिर्फ आपसे, किसी दूसरी लड़की की तरफ मैं नजर उठाकर भी नहीं देखूं, चाहे फिर मिस वर्ल्ड ही मुझ पर डोरे क्यों ना डाले। राघव जी ठीक से बताइए ना। अरे ठीक से ही तो बता रहा हूं, ये देखिए अभी फेथफुल रहने पर भी ऐसा सिला मिलता है। राघव जी मजाक मत कीजिए ना, ठीक से बताइए। अच्छा आपका तीसरा वादा क्या है? तीसरा वादा मेरा तीसरा वादा ये है कि अगर कुआ और खाई में से मुझे किसी को चुनना पड़ा तो मैं कुएं को चुनूंगा। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर सास बहू के झगड़े में आप गलत हुई तो भी मैं आप ही का साथ हूँ। हाँ ये मेरे दादू का अजमाया हुआ नुस्खा है, वो कहते हैं कि अगर जिंदगी भर खुश रहना है तो ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा
तो आप ये चाहते हैं कि मैं और मम्मी से झगड़ते रहें? मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? अब भाई सास बहू अगर ना लड़े तो वो सास बहू नहीं लगते, और ये तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इससे बाकी लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता रहता ना। राघव जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं मम्मी जी से बिल्कुल ही लड़ाई करने वाली। अभी तो आप मुझसे नाराज हो रही, लेकिन जब मौका आएगा ना तो आपको मेरा ये वादा जरूर याद आएगा। और वैसे भी जब आप मुझसे नाराजी हो रही हैं तो बाकी के चार वादे बता के क्या फायदा? नहीं नहीं मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ, प्लीज बताइए ना आपका चौथा वचन क्या है। मेरा चौथा वादा सुनने के लिए आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। आंख बंद करनी पड़ेगी? बंद कीजिए ना फिर बताता हूँ फिर से। हाँ आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे रोज अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। मेरा चौथा वादा यह है कि जब भी आपका खाना बनाने का मूड नहीं होगा तो मैं आपको बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगा, आपको कैंडल लाइट डिनर करूंगा, ताकि हमारा प्यार दादा और दादी की तरह हमेशा फ्रेश। राघव जी हाजिर आ लिए ना, क्या करते हैं आप, बिल्कुल बच्चे। वैसे बच्चों से याद आया कि मेरा छठा वादा ये है कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे ना उसके बाद भी आपके इस बड़े बच्चे का बचपन खत्म नहीं हो, और तब भी आप मुझे उतना ही प्यार करें।